बिश्ती सक्का अब्बासी महासभा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सलीम चचा अब्बासी साहब, हाजी फतेह मोहम्मद जी और जिला अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ सैयद अब्बासी साहब, आज हम ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह आलिया में हाजिर हुए हैं और आज हमने दुआ की है कि अमन चैन शांति कायम रहे आने वाले समय में, और हमारी जो संगठन है इसके द्वारा हमने जो कार्य किए हैं इसमें हमने पूरे राजस्थान में कमेटी की, और अभी हम पूरे राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। संभाग भाई अभी कुछ ही दिन पहले जोधपुर गए थे, अब अजमेर आए, अब आने वाले टाइम में बीकानेर जाएंगे और जो भी संभाग बचे हैं उनको जाएंगे। इसमें हमारी संस्था द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो 160 प्रतिभाओं का हमने सम्मान किया, जिसमें डॉक्टर, वकील, SCA और जो कुछ अधिकारी हैं राजनीति में हैं सभी का हमने हजरत निजाम सक्का अवार्ड देकर सम्मानित किया और उनका हौसला अफजाई किया। इसी के साथ हमने एक गोमाबाई हॉस्पिटल के नेतृत्व में हमने यहाँ कैंप लगाया, इसमें 500 मरीजों की जांच हुई, जिसमें से 95 मरीज ऐसे थे जिनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है और आज वो देख रहे हैं। इसी तरह समाज सेवा के क्षेत्र में हमारी संस्था अग्रणी रही है और आगे भी काम करती रहेगी। हम प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सलीम चचा के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं और आने वाले साल में इंशाल्लाह जयपुर में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा और इसी तरीके से हम कार्य करते रहेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज की आज हमने अर्जी लगाई है। कितने सालों से आप ये सामाजिक कार्य आपकी संस्था के द्वारा किए जा रहे हैं? करीब 2000 से सन 2000 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले 100 जोड़ों का ये किया था सम्मेलन, उसके बाद से हम रेगुलर कार्य करते आ रहे हैं और आज पूरे राजस्थान में क्या पूरे देश में हमारी समाज की कार्यकारिणी बनी हुई और वो जागरूक हो रहे हैं। आज अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह में कौन कौन आपके संस्था के पदाधिकारी यहाँ आए? प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सलीम चचा अब्बासी साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी फतेह मोहम्मद जी, चित्तौड़ जिला अध्यक्ष सैयद अब्बासी साहब, ये मेरे साथ यूथ प्रदेश अध्यक्ष कय्यूम मोहम्मद सक्का। आपका नाम और पद बताइए। यूथ प्रदेश अध्यक्ष कय्यूम मोहम्मद सक्का।